दोस्तों, अगर आप लोग भी सीजी फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई किए हो तो बहुत ही जल्द अब आप लोग अपने लॉगिन पेज के माध्यम से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप लोग अपना आईडी पासवर्ड को भूल गए हैं तो आज के इस वीडियो पर आप लोगों को मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा कि आप कैसे अपने आईडी पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो या फिर निकाल सकते हो, क्योंकि दोस्तों जो एडमिट कार्ड है वो आपको अपने लॉगिन पेज से ही मिलेगा, वेबसाइट से ही मिलेगा। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना होगा, उसके बाद ही आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो पाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो पर आप लोगों को मैं पूरा विस्तार से बताता हूँ कि आप लोग अपने एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और आईडी पासवर्ड को कैसे निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सब्सक्राइब के साइड में दिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको सीजी फॉरेस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर आने के बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद सीजी फॉरेस्ट टाइप करके सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद इस प्रकार का जो पहला लिंक आएगा सीजी फॉरेस्ट का, उस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप सीजी फॉरेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहां पर अब आपको जाना है फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट 2021 वाले ऑप्शन पर। यहां पर आने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको, अगर आपका आईडी पासवर्ड पता है तो अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड कैप्चा को डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, देखना है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड दिखा रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था उसको यहाँ पर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर को डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर SMS आएगा जिसमें आपका पासवर्ड रहेगा। इनबॉक्स पर जाकर के आप अपने पासवर्ड को एक बार देख लीजिए, आपका जो पासवर्ड आया है उसको, इस प्रकार से रहता है। उसके बाद सिंपली फिर से लॉगिन पेज पर आ जाइए। लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, उसके बाद अपना जो पासवर्ड डाल दीजिए जो आपको मिला है, उसके बाद जो कैप्चा कोड है उसको डाल दीजिए। कैप्चा कोड को डालने के बाद सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पर क्लिक करते ही आप अपने लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। यहां से आप अपने, सॉरी दोस्तों, अभी फ़िलहाल इसमें लॉगिन नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें अभी एडमिट कार्ड को अपलोड नहीं किया है। तो जब इसमें एडमिट कार्ड को अपलोड कर देगा तो ये ऑटोमेटिक आपको लॉगिन पेज पर ले जाएगा और वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप सिंपल से स्टेप कर सकते हैं।